कीड़ा गिरा दिया जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूपा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और सुबह के 10 बजे से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और हमारा नाश्ता भी बन चुका है, बस नाश्ता करने की देर है। तो बेदू तो अभी सोई हुई है और उसका भैया भी बीच बीच में उठते रह रहा है और अभी दूध पी के वो भी सोया हुआ है। तो उसकी चाची की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है अभी। मैंने जैसा कि आप लोगों को कल शाम बताया था कि उसकी ड्रेसिंग करी और पस वगैरह थोड़ा हल्का पानी वगैरह निकल रहा था उसकी टांकों से, तो आज उसको दिखाने के लिए जाना है और अभी वो भी आराम कर रही है नाश्ता वगैरह करके। भैया और मैंने नाश्ता करना है, नाश्ता करते हैं उसके बाद चलते हैं हम लोग इसको दिखाने के लिए और आप लोगों को मिलेंगे उसके बाद। यह है और मेरे बेटे को इतनी ख़तरनाक नींद आई है, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसका शैतान दोस्त भी आ गया है ये उठाने के लिए दीदी को। दीदी नहीं उठ रही ना, नहीं उठ रही, बगल में खड़ा हो रखा है उठेगी करके। और मैडम जी बिल्कुल घोड़े वोड़े सब कुछ बेच के सोई है, घोड़े गाय और बैल बकरी सब कुछ बेच के तेरी दीदी सोई है। इनकी मम्मी अंदर बैठी है सलोनी के साथ। उठ बाबू जल्दी उठ, जल्दी उठो, तैयार होना है फिर हमने जाना भी है। उठो हाँ उठो उठो उठो, गुड। वो चाचा बोले ना उन चाची को डॉक्टर को दिखाने जाना है। कैसे उठी अचानक, देखो भजन लगाते भजन, उठ जाओ जल्दी। और जल्दी आओ मुश्किल है, जल्दी आओ ना तीन बार की थाली। दोस्तों 11:13 हो चुके हैं और हम लोग भी हॉस्पिटल गए, तैयार हो गए हैं। भाव मेरी गोद में है और मैंने इसको भी ले लिया है दुपट्टे में, हल्का हल्का दुपट्टा ले रखा है हम लोगों ने इसके लिए, ये ठीक है। और अभी आराम से सोया हुआ है मेरी गोदी में। तो इसके मम्मी पापा तो आगे को चले गए हैं और वेदू को भैया आगे ही नीचे रख के आ गए थे गाड़ी में। तो इसकी मम्मी को थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी सीढ़ी नीचे उतरने में, क्योंकि तिमजले में आना जाना करना है तो थोड़ा दिक्कत तो होती है ऑपरेशन में। और भैया आराम आराम से उसको नीचे उतार रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम दोनों भी जाएंगे। और अभी मज़े से सो रखा है ये, इसको कोई भी किसी की भी कोई टेंशन नहीं है। दिखा के लाते हैं सलोनी को आज, क्या बोलते हैं डॉक्टर, और ड्रेसिंग वगैरह करनी होगी। आज सलोनी की दादी भी आने वाली है शाम को, तो आज इसकी नानी भी आ जाएगी और फिर हम लोग आप लोगों को मिलेंगे नीचे को जा तक। तो जब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तब मिलेंगे, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। भैया को नहीं ले आ रही, फिर मिलेंगे भैया, फिर आ जाएगी, पहले नहीं नहीं कर ले तू। चलो इसको बंद कर दो चाचा। ये हैं हम लोग हॉस्पिटल में, उत्तम हॉस्पिटल। आ गई चाचा के साथ। निकाल लिया, थैंक यू बोलो उनको। दर्द हुई, दर्द महाराज जी की तो नींद ही नहीं खुली है इसको। अच्छी आ रही, देखो ये घर से सो के आया है और वैसे ही सोया है, उठा उठा के दूध पिलाना पड़ रहा है इसको। ये देखो, ये देखो, और एक ये है इसकी दीदी, ये पिंडारी पिंडारी बोलने में लगी है। इधर देख तो दीदी, दूसरा केला खाने लग गई। कहाँ जा रही तू आप?
गाइस को बता दे मेरा ये टाका निकाल दिया बोल दे। अब हम डैडी घर मेरे टाका निकाल दिए यहाँ। ठीक हो गया ना? हाँ। खा ले। नारियल का पानी नहीं, नारियल का तेल है। पानी नारियल का पानी तो चाची ने पी दिया। दोस्तों दिन में के 3:30 बज चुके हैं, हम लोग आ गए होंगे 2:30 बजे के करीब घर। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, तो सलोनी का खाना तो ये है, सुबह दाल बनाई थी तो वो, और अभी रोटी बनाई और अपने लिए दाल चावल बनाए हैं। तो मैं सलोनी को दे के आ रही हूँ नीचे, क्योंकि सलोनी ने 2-3 दिन और नीचे ही रहना है, तो उसकी 2-3 दिन ड्रेसिंग नीचे खाना दे के आती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। ये वेदू तो बहुत ज़्यादा हल्ला करने में लगी है। तो मैं ये बोल रही थी कि सलोनी ने अभी 2-3 दिन और वहीं रहना है, मतलब उतरने चढ़ने का नहीं हो पाएगा, इसलिए सलोनी को दोबारा हम लोग नीचे ही रख रहे हैं। और उसने 2-3 दिन ड्रेसिंग कराने के लिए जाना है, तो ड्रेसिंग कराने के बाद ही ठीक होगा जो उसका हो रखा है। दोस्तों दाल चावल खा लीजिए, हम लोग तो खाने लग गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। ये हमने बनाई है आज अरहर और मलका की दाल, वेदी का सुयाल। बात तो खा ले वेदी का सुयाल। ये चॉकलेट लगाई है देख तूने माथे में, यार कैसी लड़की है सच में। और आज वेदू का टाका भी हमने कटवा दिया है, अब इसकी आंखों में मैं यहाँ पे नारियल का तेल लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लगवानी है बदमाशी करोगे? करना नहीं, तो फिर मैं इनको बुलाऊंगी, लगा देंगे इंजेक्शन। बहुत बदमाशी कर रही है, लगाओ लगाओ इसको पहले, करोगी ना प्रॉमिस? और शांति से बैठ जाओ, रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, शाम का खाना बना रही हूँ। और आज थोड़ा देर हो गई है खाना बनाने में, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक मैं सलोनी के साथ ही थी, 8:30 बजे तक तो मैं सलोनी के साथ थी और भाव मेरे साथ ही था। सलोनी को ट्रिप चढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं वहीं रह जाती हूँ करके। और उसके बाद उन सलोनी की दादी भी आ गई थी और बस चाय वाय पी के वो अभी वापस से सलोनी के पास गई है। मैंने कहा कि मैं खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी नीचे। और सलोनी के लिए मैंने दाल बना ली है, अपने लिए अब खाना बनाती हूँ, सब्जी रोटी बनानी है हम लोगों के लिए।
तो आलू न्यूट्रिला मैंने रख रखी है यहाँ पे, आलू न्यूट्रिला बनाती हूँ और आप